हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताओ कैसे हो आप सब। आज है साल का आखिरी दिन और कल है न्यू ईयर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने सारे ड्राइंग शेयर करने वाली हूँ जो मैंने इस साल बनाया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, मैंने कितने सारे ड्राइंग्स आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया है। तो कमेंट करना मत भूलना है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज रोज देखने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को सारे स्केच बुक्स की टूर करवाने वाली हूँ। तो ये पहला वाला है क्यूट महादेव, जो मैंने वाटर कलर से बनाया है। देन है ये राधेश्वर कृष्णा जी की ड्राइंग, जो एक मोस्ट वायरल ड्राइंग है मेरे चैनल पर। देन ये राधा कृष्णा जी ड्राइंग, जो मैंने वाटर कलर से बनाया था होली पर, और ये सेकंड वाला भी। देन उसके बाद आता है सियाराम जी की पेंटिंग, जो मैंने वाटर कलर से बनाया था। देन यहाँ पे है राधा कृष्णा जी की ड्राइंग, जो मैंने गुलाल से बनाया था, इसलिए थोड़ा सा खराब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है राधा कृष्णा जी क्यूट ड्राइंग। आप इस वीडियो में मेरे इम्प्रूवमेंट्स भी देख पाओगे। जनवरी से दिसंबर तक आप लोग देखोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं पहले कलर ठीक से ब्लेंड नहीं कर पाती थी। यहाँ पे है कृष्णा जी की कॉफी पेंटिंग, जो थोड़ा सा खराब हो गया है पेपर चिपक कर। और नेक्स्ट वाला पेंटिंग मैंने मेहंदी से बनाया था। तो यार मैं जो बोल रही थी, मेरा थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रैक्टिस करते करते। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स इस साल ही बनाया है आप लोगों के साथ ज्वाइन होने के बाद। आप लोग मेरे पहले साल के पेंटिंग्स देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे वो उतना ज्यादा खास नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही मेरी पेंटिंग्स अभी बहुत ज्यादा खास है। मैंने ये नोटिस किया कि मैं पहले से थोड़ा सा अच्छा बना लेती हूँ। अब आप में से बहुत लोग कमेंट करते हो कि कैसे अच्छी पेंटिंग्स बनाया जाए। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट पर बताना जरूर आप लोगों को इनमें से कौन सा ड्राइंग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं न्यू ईयर से रोज इस चैनल पर एटलीस्ट एक वीडियो रोज अपलोड करूंगी। और हाँ, आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे जरूर बताना, मैं आप सभी के रिक्वेस्ट देखूंगी और पूरी करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना ये चैनल तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप सभी के एक और रिक्वेस्ट आता है मेरे पास कि स्टूडियो टूर करो। लेकिन आप में से जिन लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा है उन लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है। मैं अपने रूम में ही वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन मैंने एक स्टूडियो बनवाने का सोचा है और उसका काम शुरू भी हो गया है। आई होप कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक मैं आप लोगों को स्टूडियो टूर करवा पाऊंगी। और हाँ, उससे पहले स्टूडियो कैसे बन रहा है उसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 7 स्केच बुक्स की टूर करवा रही हूँ। यह है पहला नंबर, जो है A4 साइज का। इसके साथ और 2 A4 साइज के स्केच बुक है। ये स्केच बुक खत्म होने के बाद मैं वो 2 दिखाऊंगी। देन है 2 A5 साइज के स्केच बुक, जो है डोम्स का। देन उसके बाद है एक छोटू सा A6 साइज का स्केच बुक, जिसमें मैं ज्यादातर क्यूट ड्राइंग्स बनाती हूँ। और एक है A3 साइज का स्केच बुक, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ड्राइंग्स हैं। देन मेरे पास कुछ कैनवास पेंटिंग्स है, वो भी मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ। और कुछ छोटे छोटे क्राफ्ट्स है जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है। और तो यार सच बताओ तो मैं सारे ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं दिखा पाई। जैसे कुछ पेंटिंग होता है ना, लिप पेंटिंग या फिर फायर से बनाया हुआ पेंटिंग, वो तो खराब हो जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा पाई इस वीडियो में। और कुछ पेंटिंग्स है जो मैंने स्केच बुक पर नहीं बनाया है, नॉर्मल पेपर पर बनाया है, तो वो सब इधर उधर रखा है, तो मैं उसको भी दिखा नहीं पाई। और बाकी 95% ड्राइंग्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को सेकेंड स्केच बुक, जो है डोम्स का। और ये पेंटिंग देखो यार, ये वृंदावन के 3 ठाकुर जी की पेंटिंग है, जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाला है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा जरूर कि मैंने कितने सारे ड्राइंग्स आप लोगों को दिखाया है, और आप लोगों का फेवरेट ड्राइंग कौन सा है ये बताना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।